नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं मशीन लाइफ। दोस्तों, मशीन लाइफ इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपको ईंट का बिजनेस करना हो तो ईंट के बिजनेस के प्रोजेक्ट के लिए आपको बंगला भट्टा यदि लगाना हो तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा, यानी कितने कॉस्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक चीज़ नहीं है जिसकी मैं आप तुरंत बता दूँ और आपको समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, इसमें क्या है कि जो डिटेल वाइज है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि एक एक चीज़ में कितना खर्चा पड़ता है। तो आप कैलकुलेट करते रहें, कॉपी और पेन लेकर के आप बैठें और आप जैसे जैसे मैं बताता रहूं वैसे वैसे आपको लिख लेना है। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले ज़रूरत है आपके पास ज़मीन होना चाहिए, कम से कम 4000 से 5000 स्क्वायर फीट। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए मिट्टी का व्यवस्था। आपकी यदि आपके पास मिट्टी का है व्यवस्था और ज़मीन का है व्यवस्था तो उसके बाद वो खर्चा आपके पास बच जाएगा, नहीं तो रेंट पर लेना पड़ता है। तो आपके पास क्या है कि 4 से 5 हज़ार का स्क्वायर फीट आपके पास ज़मीन होना चाहिए और आपके पास एक 100 सेफ्टी जो ट्रेवलर ट्रैक्टर की ट्रॉली होता है उसमें जो ईंट बनता है वो 1000 से 1200 ईंट बनता है। दोस्तों, तो आपको जो एक ट्रॉली मिट्टी यदि ख़रीदना है तो 1000 से 1200 ईंट बनेगा, यानी आपको 1 लाख ईंट बनवाना है तो आपको लगभग 90 ट्रेलर आपको ईंट का मिट्टी जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। कोई भी मिट्टी इसमें चलता नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मिट्टी आपको ढूंढना पड़ेगा। यानी अच्छी क्वालिटी को मिट्टी ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ही फार्मूला लगाना है, जो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो उस मिट्टी से ईंट बनाएंगे तो आपका ईंट जो है सो बेहतर क्वालिटी का बनेगा। जो मिट्टी उपजाऊ नहीं हो, बेकार पड़ा हो मिट्टी, तो उस मिट्टी से आप ईंट ना बनाएं, क्योंकि वो मिट्टी से आपका ईंट सही नहीं उतरेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके पास ईंट का व्यवस्था है, सॉरी मिट्टी का व्यवस्था है, ईंट वाले मिट्टी, और यदि नहीं है तो ख़रीदेंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा आप अपने इलाके में पता कर लें। 100 सेफ्टी ट्रेलर जो होता है, 100 सेफ्टी का ट्रेलर, उसमें एक ट्रेलर में आपको एक ट्रॉली में आपको 1200 से 1200 ईंट बनता है। दोस्तों, तो आपको अंदाज़ा लगा लें, 1 लाख ईंट बनाना है या जितना भी बनाना है तो उस हिसाब से आपको उतना मिट्टी ख़रीदना पड़ेगा। तो जो भी कॉस्टिंग होगा आप अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बालू ख़रीदना पड़ेगा। एक ट्रैक्टर बालू ख़रीदते हैं दोस्तों, एक ट्रॉली 100 सेफ्टी, तो आपको लगभग 5000 ईंट बनता है। तो उस हिसाब से आप कॉस्ट कर लें आपके यहाँ एक ट्रॉली बालू का कितना कॉस्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो कोयला है, कोयला 150 किलोग्राम लगता है 1000 ईंट में, तो आपको 1 लाख बनाना है तो 15 टन कोयला लगभग लगता है। तो उसी हिसाब से आपको कॉस्टिंग जोड़ लें दोस्तों कि आपको 1 लाख के यदि भाटा लगाना है या जितना भी लगाना है तो उस हिसाब से आपको जो है कोयले की कॉस्टिंग क्या पड़ेगा, आपके इलाके में क्या रेट में मिलता है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि जो है पानी आपको जो है सो डीजल जला के तो नहीं या फिर वैसे कैसे व्यवस्था करेंगे, आपको उसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट लग सकता है, तो उसके लिए पानी का व्यवस्था कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ईंट बनाने वाले मजदूर कितने पैसे लेते हैं ईंट बनाने के। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, हमारे इलाके में 1000 ईंट बनाने के लिए 1000 रुपये लेते हैं, यानी पर ईंट 1 रुपया पड़ता है। 1 लाख ईंट बनवाना है तो ईंट बनवाने के लिए आपको 1 लाख रुपया लग जाएगा। और उसके बाद क्या दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, ईंट जो भट्टा लगाएंगे तो उनके जो मिस्त्री होते हैं वो मिस्त्री आपको क्या चार्ज करते हैं। तो हमारे इलाके में क्या होता है, ये जो एक 1000 ईंट को लगाने के लिए यानी डिज़ाइन करने के लिए वो लेते हैं 150 रुपये। दोस्तों, 150 रुपये पर 1000 का डिजाइनिंग के लिए वो लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद, जैसे कि आपको ईंट होड़ लगा हुआ पड़ा है, यानी मजदूर ईंट बना के उनको होड़ लगा देते हैं सूखने के लिए, उसके बाद वहाँ से लेकर के भट्ठा आप जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर ले जाने के लिए जो मजदूर होते हैं उनको ढोने के लिए, तो ढोने के लिए जो मजदूर होते हैं उसको क्या खर्चा देना पड़ता है। तो आप जितना दूरी पर भट्ठा लगाएंगे उतना दूरी उनको ढुलाई पड़ेगा, यानी ढोने में ताकत लगेगा, तो उस हिसाब से वो चार्ज करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें वहाँ पर 1000 ईंट को ढोने में कितना चार्ज। हमारे यहाँ जो लेता है वो लेता है लगभग 300 रुपये, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 10-20 रुपया, क्योंकि वो दूरी पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कितने दूरी, 100 मीटर के आसपास ही अगर हो तो वो क्या करते हैं कि 300 रुपये से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, और अगर यदि 50 मीटर के आसपास तो वो 310-320 रुपये कम ले लेते हैं, चल जाता है। तो उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी दूरी कितना पड़ता है भट्ठे पर,
ईंट से जहाँ पर बनवाए हैं वहाँ से आप भट्ठा कितनी दूरी पर लगा रहे हैं या उसी तुरंत वहीं पर लगा रहे हैं नज़दीक, तो आपको खर्चा कम पड़ेगा। तो ये है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको पड़ेगा कि वो ईंट भट्ठा लगाने में उसमें लेप लगाना पड़ता है दोस्तों, बंगला भट्ठा में लेप लगाना पड़ता है। तो उसका खर्चा आपको लगभग उस दिन जो है और आग डालने में जो खर्चा पड़ता है टोटल, चूँकि उसमें उपले वगैरह लगते हैं, केरोसिन वगैरह लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, बहुत कम लगते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ये पिछली वीडियो में बताया है मैंने, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं बता दूंगा। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, जो भी जानकारी लेना हो मैं ज़रूर अगले वीडियो में बता दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उस दिन आपको लेप लगाने में जो खर्चा पड़ेगा वो करीबन 2,000 से 3,000 रुपये पड़ता है दोस्तों, 1 लाख जैसा भट्ठा लगाने में। और ये पॉइंट है, आप इसमें आपको कॉस्टिंग निकाल लेना है दोस्तों। यदि वीडियो समझ में अब वीडियो में अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, तो मैं अगली वीडियो में और डिटेल से बताऊंगा। और बाकी यदि आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, नई जानकारी लेकर के। और उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं इस चैनल पर दोस्तों ईंट और ईंट बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।